है एवरी वन वेलकम बैक फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आ, मेरी जो स्विंग मशीन है जो रिसेंटली मैंने अभी ली आपके साथ इसका आ, मैंने शेयर किया हुआ है आ, वीडियो उस स्विंग मशीन में हम उसमें आपको पता है ऑप्शन है वर्ड्स ऑन फैब्रिक हम कैसे लिख सकते हैं डिजाइन गिवन है ऑलरेडी तो अगर आपको किसी फैब्रिक पे या किसी हैंकर चीज पे नॉर्मली बच्चों के उस पर होता है ऐसा न, बच्चों की यूनिफॉर्म का भी आपको या कुछ हैंकर चीज बच्चे घुमा देते हैं बार बार तो उनके ऊपर आप वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं या फिर आप घर पे भी ऐसे और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन कवर्स या जो भी आपको जैसा अच्छा लगे तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली वही बताऊंगी कि किसी भी फैब्रिक पे आप वर्ड्स जो उस पर गिवन है या नंबर्स या डिजिट्स जो भी गिवन है स्पेशल करेक्टर्स गिवन है वो आप कैसे लिख सकते हो ठीक है अब इसमें पॉइंट ये है कि आप आ, दो ऑप्शन हैं दो तरीके हैं या तो आप सीधे सीधे एक एक वर्ड या अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते जाओ ठीक है जो भी है आपका अल्फ़ाबेट या फिर लेटर और उसको लिखते जाओ ठीक है या फिर आप पूरा सेलेक्ट कर लो एक साथ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट बी कोई एग्जाम्पल है आपकी के द स्काई इज ब्लू फॉर स्का ठीक है तो आप ये पूरा उस पे सेट कर लो द स्काई इज ब्लू एक साथ एंड देन वो ऑटो राइट उसको खुद ही लिखता जाएगा आपको बस फैब्रिक पकड़ के रखना है और कुछ नहीं करना तो फ्रेंड्स uh, वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगी पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब वीडियो को करना है लाइक और हाँ अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो उसको जरूर बताइए मुझे मेरे को रिक्वेस्ट आई है आपकी आरी वर्क वाली के आरी वर्क कैसे करते हैं उससे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है आ, पूरी वीडियो ना एक्चुअली मेरे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे आरी वर्क की और जितने भी मैंने एम्ब्रॉयडरी की है मैं आ, एक वीडियो दो जगह नहीं डाल सकते ना तो इसलिए वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैं आपको यही बोलूंगी मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं ठीक है वो वाली वीडियो पर हाँ आगे जो भी मैं करूंगी वो उसकी वीडियो मैं डेफिनेटली इसी चैनल पर डालूंगी तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते वीडियो के साथ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं सीधे आते हैं वीडियो पे देखें जब आपको अल्फ़ापैट सेलेक्ट करने है ना जब आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करने तो ऊपर वाला बटन प्रेस करना है अल्फाबेट के टाइम नीचे का करना है स्पेशल करेक्टर के टाइम ये देखें ठीक है तो ये हमने प्रेस कर दिया ये वाला ठीक है अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये डिफ़ॉल्ट हमारा ज़ीरो ज़ीरो पे है अब यहाँ पर पहले इससे पहले कुछ अगर लिखा होगा ना तो यहाँ आपको डिजिट्स शो होंगे ठीक है तो अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं हमें लिखना क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ करती हूँ यहाँ से लेट इट बी कैट ठीक है सी का है थ्री नंबर देखें ज़ीरो थ्री ठीक है ए का ज़ीरो वन एंड टी का ट्वेंटी ठीक है थ्री ज़ीरो वन एंड ट्वेंटी ये हो गया ठीक है अभी हमें याद रखना है आप चाहें तो कहीं पेपर पर पे लिख लें तो सबसे पहले देखें कुछ आ, अगर हो तो ये डिलीट का बटन आप प्रेस करके वो ऑलरेडी लिखा हुआ डिलीट करें ये आपको हर बार डिलीट करना पड़ता है नहीं तो ये उसको भी लिखना शुरू कर देगा ठीक है तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाले आपको पता है ये वाला जो है वो थ्री नंबर था हमारा कैट का तो ये थ्री लगा दिया हमने ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखें ये प्लस कर देना आपने मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट अल्फाबेट ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे ए तो ए का क्या था वन है ना ज़ीरो वन तो ये हो गया फिर से प्रेस दबाओ अब टू हो गए इसमें अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको ठीक है अब थर्ड हमारा टी जो था टी का नंबर क्या था आइए देखते हैं फिर से टी का नंबर था ट्वेंटी है ना तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं ट्वेंटी तो अब हमें यहाँ पर वो तो हमने प्लेस कर दिया है अब ट्वेंटी लगाना है तो आपको पता है कि आ, ये देखें ये दो हो गए ना यहाँ पे अब ट्वेंटी इधर वालों के लिए ये वाला है टू और उधर वाले के लिए वो वाला जीरो ट्वेंटी अब इसको भी ऐड करना है आपको ये हो गया ऐड ठीक है यहाँ तक हो गया हमारा बस ये रेडी है अब हमारा ठीक है उसके बाद अब हम एक बार चेक कर लें कि हमने क्या क्या एंट्री की है ठीक है तो ये हमारी एंट्री यहाँ से अब आगे आगे चलेगा वहाँ से पीछे पीछे चलेगा आप देख सकते हैं तो ये होगी ये हमारी एंट्री रेडी अब हम स्टार्ट करते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा लिया है जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी ठीक है ब्लू कलर का धागा लिया है तो आपको कुछ नहीं करना सीधे आपको तो बस सिंपली आपको क्या करना है अपनी मशीन को स्टार्ट करना है ये देखें ठीक है मैंने मीडियम स्पीड रखी है आप चाहें तो स्लो भी रख सकते हैं तो ये सबसे पहले सी लिख रहा है आप देखें ठीक है उसके बाद ए लिख रहा है ये देखें अभी अपनी स्पीड से लिखता है ये खुद एंड ये सिंपल कॉटन की नलकी है आप चाहें तो सिल्क वाली भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन इसने ये टी लिखा है ठीक है टी लिखने के बाद ये खुद ही रुक जाएगा अपने आप ये देखें स्पीड स्लो हो जाएगी खुद रुक जाएगा ठीक है तो उसके बाद आपको निडल ऊपर करनी है एंड इसको कपड़े को बाहर निकालना है ठीक है इसका फुट ऊपर करके तो ये देखें ये उठाया मैंने फुट ये निकाला है ये देखें ठीक है थोड़ा सा इधर उधर ड्रैग करना है धीरे धीरे बाहर निकालना है इसको ये निकल गया बाहर अब इसका धागा तोड़ लेना है हमें ठीक है तो ये देखो कैट लिखा हुआ कितना नीटली लिखा है इसने है ना तो ये आ गया हमारा आप ये देखो ये हमारे पास ये इसके साथ ही मिलता है आप अलग भी ले सकते हो कटर जैसा ये आप ऐसे काट सकते हो धागे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको नीट फिनिश देने के लिए ठीक है तो ये देखें यहाँ बीच से भी ये जुड़ा हुआ है सी और ए यहाँ से भी इसको आप काट लीजिए ऐसे इसके बीच में डाल के ठीक है ये देखें ऐसे ठीक है और ये एक्स्ट्रा जो है आप सीजर्स यूज़ कर सकते हैं तो बस ये हो गया ये देखें आप ये लिखा हुआ आ गया है ठीक है और ये जो टी है इसके साथ एक्स्ट्रा धागा है ये देखें ये भी काट लेना है आपने ऐसे जैसे मैं ये एक्स्ट्रा धागे आप सीजर्स की हेल्प से काट सकते हैं और ये भी आप एक्स्ट्रा काट लें देख के काटें थोड़ा तो वो डिज़ाइन ही ना कट जाए ठीक है तो बस ये टी भी हो गया हमारा आप चाहें तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं मैंने आपको फ़िलहाल ये लिख के दिखाया है ठीक है ये देखें ये हो गया कितना नीट लग रहा है ना एंड ये एक्स्ट्रा जो है इसको भी चलो मैं ट्राई करती हूँ इससे काटना अगर कट जाता तो अदरवाइज आप सीजर्स ले सकते हैं इससे वैसे ना बड़ा माइन्यूट कटता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हो गया हमारा रेडी ठीक है तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो पता ना क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना है हो सके तो शेयर करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई ऑल